हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है और जैसा कि आप जानते हैं अभी कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस पे वीडियो चल रहे हैं और आने वाले समय में जब ये पूरे हो जाएंगे तो मैं स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। और अभी क्योंकि टाइमिंग की शॉर्टेज है तो मैं डायलिसिस पे ही वीडियो दे रही हूँ, जनरल नॉलेज पे नहीं दे रही हूँ। और पेशेंट कॉम्प्लिकेशन इसमें पूरे हो चुके हैं, 2-3 बच्चे हैं माइनर से, तो मैं एक वीडियो में कंपाइल करके आपको दे दूँगी। टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन में 3 टॉपिक पूरे हो चुके हैं, ब्लड लीक, एयर एम्बोलिज्म, हीमोलाइसिस। आज डायलाइजर रिएक्शन टॉपिक है, तो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप मेरे वीडियोस देखिए डिस्क्रिप्शन से जाकर, ठीक है। और आप सभी लोगों से मेरा ये कहना है जो मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं प्लीज़, या देखते ही हैं, कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। देर ना करते हुए मैं ये वीडियो शुरू करती हूँ। डायलाइजर रिएक्शन इन हीमोडायलिसिस। अब एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ कि डायलाइजर रिएक्शन होता क्या है। जब किसी भी वजह से डायलाइजर में कोई कंपाउंड रह जाए या कोई भी चीज़ ऐसी रह जाए जो कि जैसे ही ब्लड डायलाइजर में आए, मतलब ब्लड ट्यूबिंग से होता हुआ जैसे ही ब्लड डायलाइजर में आएगा, मीन्स आर्टिफिशियल किडनी में आएगा, तो क्या होगा, ब्लड के आते ही, और वो ब्लड अगर डायलाइजर से पास होता हुआ ट्यूबिंग के थ्रू पेशेंट की बॉडी में जाएगा तो तुरंत रिएक्शन होगा और पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और ऐसे अनवांटेड सिम्टम देखने को मिलेंगे जिसकी कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब जैसे ही डायलिसिस कनेक्ट होगी ना तुरंत होगा वो काम, या फिर डायलिसिस के शुरू होने के 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर वो काम शुरू हो जाएगा। मतलब एक मिनट से जैसे ही डायलिसिस शुरू होगी उसके एक मिनट से लेके 30 मिनट के अंदर अंदर, इवन मोस्ट प्रोबेबली 20 मिनट में हो जाता है, लेकिन फिर भी लास्ट 30 मिनट के अंदर अंदर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे जो कि आप उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है, जो कि मतलब आपस में ब्लड और वो जो केमिकल या कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, उसके मिलने से जो डायलाइजर में ब्लड और जो भी अनवांटेड या केमिकल मिलने से जो भी प्रॉब्लम होती है उसको क्या बोलते हैं, डायलाइजर रिएक्शन बोलते हैं। अब सबसे पहले इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स हैं कि सबसे पहला तो ये है कि जो भी डायलाइजर रिएक्शन होगा वो 1 से 20 मिनट के अंदर अंदर दिखाई दे जाएगा डायलिसिस शुरू होते ही। दूसरा, पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन होगी, मतलब गर्मी भी लगेगी, जलन भी होगी और वो होल बॉडी में होगी, होल बॉडी में। इसके अलावा उसको चेस्ट पेन भी होता है, कभी कभी उल्टियाँ भी होती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बैक पेन हो सकता है, मतलब कमर में दर्द हो सकता है, पीछे पीछे साइड में उल्टी हो सकती है और उसको घरघराहट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा खुजली भी हो सकती है उसे, और चेस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब टाइटनेस लगेगा उसको, और कभी कभी क्या होता है कि ये ज़्यादा अगर हो जाता है तो कार्डियक अरेस्ट होने के भी पूरे चांस होते हैं, ठीक है। ये तो होते हैं डायलाइजर रिएक्शन के सिम्टम्स। अब ये होता किसकी वजह से होता, क्या है कि कंटामिनेटेड अगर सॉल्यूशन हो, डायलाइजेड सॉल्यूशन हो, दूसरा क्या हो कि जो डायलाइजर यूज़ होता है, जिनको रीयूज़ होता है, उनमें क्या रहे, फॉर्मेलिन भरते हैं वो रह जाए, या फिर नया डायलाइजर हुआ उसमें इथाइलिन ऑक्साइड होती है, अगर वो इथाइलिन ऑक्साइड प्रॉपर मतलब प्राइमिंग नहीं हुई है तो वो इथाइलिन ऑक्साइड उसमें हो और मतलब डायलिसिस शुरू हो जाए, दैट सिचुएशन में भी ये हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि कई जगह पे, अभी तो नहीं होता लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कई जगह पे एसीटेट डायलेजेट मतलब एसीटेट डायलिसिस होती है, तो एसीटेट डायलेजेट की वजह से भी ये हो जाता है। कई बार हिपेरिन एलर्जी भी हो जाती है, मतलब जैसे ही आपने कोई हिपेरिन दिया तो उसकी वजह से एलर्जी होने की वजह से भी क्या हो जाता है, डायलाइजर रिएक्शन हो जाता है। इसके अलावा कोई भी जो हाई फ्लक्स डायलाइजर होते हैं उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है बैक्टीरिया से, तो ऐसे हाई फ्लक्स डायलाइजर में भी डायलाइजर रिएक्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर आरओ में एंडोटॉक्सिन या बैक्टीरियल कंटामिनेशन है तो भी बहुत चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो इथाइलिन ऑक्साइड, जो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है, मैंने जैसे बताया कि गामा रेज की मोस्ट प्रोबेबली डायलाइजर में अभी तो गामा रेज हो रही है, अगर गामा रेज की वजह से इथाइलिन ऑक्साइड अगर यूज़ होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये डायलाइजर रिएक्शन होंगे ही होंगे ब्लड के मिलने पर, ठीक है। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या है, देखिए अगर आपको पता चल रहा है कि इसको डायलाइजर रिएक्शन हुआ है तो तुरंत क्लैम्प बंद करिए, जो भी एक्स्ट्रापोरियल सर्किट है, मतलब ब्लड ट्यूबिंग और डायलाइजर वगैरह जो है, तो ब्लड ट्यूबिंग के और जो फिस्टुला निडल है वहाँ के क्लैम्प बंद करिए, डिसकंटिन्यू करिए, मतलब डायलिसिस को बंद करिए तुरंत के तुरंत, और
पूरे उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, ठीक है, सिस्टम को, मतलब जो ब्लड है डायलाइजर वगैरह में उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। अगर आपको दिखता है कि भाई कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो नहीं होनी चाहिए, जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाली, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम है, या कार्डियक प्रॉब्लम, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रीटमेंट को स्टॉप करना ही, मतलब आगे डायलिसिस मत दीजिए, दैट टाइम बंद करिए पूरी तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जो करना चाहिए कि प्राइमिंग प्रॉपर करनी चाहिए, जैसा मैंने बताया ना कि जो नया डायलाइजर हो गया या पुराने डायलाइजर में फॉर्मेलिन वगैरह या रेनाक्लिन वगैरह भरी रहती है, अगर प्रॉपर डायलिसिस मतलब प्राइमिंग नहीं हुई तो फॉर्मेलिन या रेनाक्लिन पेशेंट की बॉडी में जाएगी तो भी रिएक्शन करेगा। इसके अलावा अगर उसमें ये रहा, मतलब नया डायलाइजर है उसमें इथाइलिन ऑक्साइड वगैरह या ट्यूबिंग में कहीं से भी रहती है तो भी मतलब डायलाइजर रिएक्शन होने के पूरे चांसेस रहते हैं, तो प्राइमिंग बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है तो पेशेंट को ऑक्सीजन देनी चाहिए, ठीक है। गामा इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन वाले डायलाइजर यूज़ ना करने की वजह गामा रेडिएशन से जो स्टरलाइज होते हैं, जो डायलाइजर आते हैं उनको यूज़ करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, प्रॉपर रिंसिंग होनी चाहिए मशीन की। इसके अलावा आप जो पेशेंट को दे सकते हैं एंटी हिस्टामिन टैबलेट दे सकते हैं, स्टीरॉइड्स दे सकते हैं और एपिनेफ्रिन लाइक टैबलेट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टैबलेट्स हैं ये तो भाई स्टाफ के लिए हैं, ये पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट के लिए हैं। तो ये था डायलाइजर रिएक्शन पे मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।